अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सॉल्ट प्रिपरेशन होती है, ठीक है, विच इज दिस वन ओवर हियर, ठीक है. सॉल्ट प्रिपरेशन इज द मेथड कि आप लैब में जाकर ना किस तरीके से सॉल्ट प्रिपेयर करोगे. तो उसके अंदर द फर्स्ट मेथड दैट वी डेड वाज द एक्सेस मेथड. उसके अंदर ये था कि इफ यू आर डूइंग द एक्सेस मेथड तो द रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल एंड द सॉल्ट दैट इज, नहीं आवाज सही नहीं है. सही है, ठीक है. आमना, मेरे ख्याल से वो फिर आपके एंड पे शायद वो इंटरनेट के करीब बैठ जाए तो शायद वो बेहतर हो जाए, ठीक है. ये उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा रीकनेक्ट कर लो. अच्छा, सो सॉल्ट प्रिपरेशन के एक्सेस मेथड लैब में किस तरह सॉल्ट प्रिपेयर करनी है. और उसके अंदर द फर्स्ट थिंग वाज के इफ यू हैव अ इनसॉल्युबल रिएक्टेंट and you want to produce a soluble salt. Reactions वही थे, reactions में कोई फर्क नहीं था. हमने चार reactions कर लिए. One of them was ammonia plus acid, it produces an ammonium salt. ठीक है, we did that recently. अच्छा, we did other reactions जिसके अंदर you had carbonate plus acid producing salt water and carbon dioxide. ठीक है, and we did base plus acid यानी oxide hydroxide plus acid produces salt water, salt and water, that's it. और वो उससे पहला रिएक्शन था कि मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2. तो ऑल दीज फोर रिएक्शंस आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट, बट मेथड कौन सा होगा? मेथड डिसाइड होगा सॉलिबिलिटी कि इफ यू हैव एन इनसॉलिबल रिएक्टेंट तो सॉल्ट सॉलिबल होनी चाहिए. इफ दैट इज द केस देन यू यूज एक्सेस मेथड. और मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सेस मेथड में क्या होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. तो what you're supposed to do is कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो ये पीसेज हैं मार्बल के, ठीक है, ये चौक या मार्बल ना, दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट. इनके पीसेज को आप ऐड करोगे नाइट्रिक एसिड के अंदर और एकदम से ना जब आप ऐड करोगे ना दोनों को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी एंड यू वुड स्टार्ट सीइंग बबल्स फॉर्मिंग, ठीक है, जिस तरह वो उसके अंदर था कोक के अंदर जैसा बबल्स बनते हैं. अच्छा, यू स्टार्ट सीइंग बबल्स विच इज कॉल्ड एफर्वेसेंस, ठीक है, दैट होल प्रोसेस ऑफ आई मीन दिस बबल्स फॉर्मिंग, दैट्स एफर्वेसेंस, ठीक है. और फिर उसमें था कि साथ ही सॉल्ट भी प्रोड्यूस होगी और वाटर भी प्रोड्यूस होगा, तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी. सॉल्ट और वाटर जो है वो सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, इट्स अ सॉलेबल सॉल्ट, तो वो सॉल्ट आपको बनते हुए नजर नहीं आएगी, वो सारी की सारी सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगी, कलरलेस, ठीक है, सॉल्ट होगी. अब आपने इंश्योर ये करना है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाए ताकि एक भी मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन में बाकी बचा हुआ पड़ा ना हो, वरना क्योंकि आपको सिर्फ सॉल्ट चाहिए, ठीक है, सॉल्ट और वाटर, तो नाइट्रिक एसिड सारा रिएक्ट होना चाहिए तो उसका आखिरी मॉलिक्यूल तक रिएक्ट होना चाहिए. तो उसको इंश्योर करने के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट के मार्बल के पीसेज या चौक के पीसेज ना आप ऐड करते रहते हो एक्सेस में, यानी बहुत ज़्यादा ऐड करते हो और तब तक ऐड करते रहते हो जब तक आखिरी नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ना वो भी रिएक्ट कर जाए, तो तब वो नाइट्रिक एसिड सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा. और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे बबल्स बनना बंद हो जाएंगे, तो आपके पास ये एक्स्ट्रा कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस पड़े होंगे जिनको आप बाद में फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है. ये क्लियर है सारों को? ये सो नो, इज दिस क्लियर? वसा क्लियर है? आमना, कैन यू स्टिल हेयर मी? सुबान, एसन? यस सर, क्लियर. अच्छा सर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड ये ऑप्शन है या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा कि ऊपर चारों जो रिएक्शंस जितने भी थे ना, जितनी भी हमने इक्वेशंस अभी तक बनाई हैं, सारों के अंदर कोई ना कोई सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है जी. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ना जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है दैट्स सॉल्युबल और जो रिएक्टेंट है ना दैट्स अ सॉलिड, तो आप उस सॉल्ट को ना इस मेथड से प्रिपेयर करोगे, ठीक है. जो मर्जी इक्वेशन उठा लो, एक और उठा लेते हैं कि मैं ऊपर से जाके ना कोई और रैंडम इक्वेशन उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं. ये मैग्नीशियम प्लस, अच्छा इसमें एक्सेस मेथड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो जो सॉल्ट है ना वो इनसॉल्युबल है, तो सॉल्ट सॉल्युबल होनी चाहिए और रिएक्टेंट जो होना चाहिए वो इनसॉल्युबल होना चाहिए. तो कोई और इक्वेशन उठा लेते हैं, मेटल में से उठा लेते हैं. अच्छा ये तो वही है, अच्छा बिल्कुल स्टार्ट में कहीं से ये वाला कर लेते हैं.
ये वाली इक्वेशन मैं ना कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वन। तो अच्छा, इसके ऊपर भी ना, इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा ना, वो एक्सेस मेथड ही होगा, दिस वन। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वुड स्टिल बी दी एक्सेस मेथड। अच्छा, ये हमारे पास एम जी प्लस एच सी एल और एम जी सी एल टू बन रहा है। सारा अप कर दिया, उसको बैलेंस भी कर लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी टू एच सी एल्स, राइट। तो अगर तो सॉल्ट सॉल्युबल है, रिमेंबर वो सीएल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ऑल सीएल माइनस वन, बीआर माइनस वन, आई माइनस वन आर सॉल्युबल सिवाय वो सिल्वर और लेड के, ठीक है। अगर वो सॉल्युबिलिटी टेबल देखो तो एम जी सी एल टू इज सॉल्युबल, ठीक है। सो इट्स अ सॉल्युबल सॉल्ट, और जो रिएक्टेंट होना चाहिए ना वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, जो कि मेटल है। एम जी इज अ मेटल, सो इट इज सॉलिड, ठीक है। और एसिड तो वैसे ही एक्वस होता है हमेशा, एंड एच टू इज अ गैस, सो रिएक्टेंट इज इनसॉलिबल। जब मैं रिएक्टेंट की बात करता हूँ ना, मैं एसिड की बात नहीं कर रहा होता। मेटल जितने भी होते हैं वो इनसॉलिबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते हैं। अच्छा, रिमेंबर मैं जब रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसिड, वो जो एसिड के साथ जो चीज़ रिएक्ट करी होगी, ठीक है। अच्छा, सो यू गोइंग टू यूज द एक्सेस मेथड। तो और रिमेंबर दिस के एक्सेस में ना हमेशा इसको डालते हैं, हमेशा जो इनसॉल्युबल रिएक्टेंट होता है ना उसको आप ज्यादा ऐड करते हो। यू गॉट टू रिएक्टेंट्स, एच सी एल को रिएक्ट करना है किसके साथ, एम जी के साथ। तो यू विल हैव अ बीकर, अच्छा उस बीकर के अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करोगे, तो देर इज गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एच सी एल एक्वस, सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। अच्छा, बीच में ना एम जी जो मेटल है ना उसके पीसेस, एम जी मेटल का जो पीस होगा ना वो इस तरह का होगा, मैग्नीशियम इज जस्ट लाइक, जिस तरह आयरन नहीं होता एग्जैक्टली उसी तरह होता है, ठीक है। उसका अगर मुझे ताकि दिखा दूँ, ठीक है, तो जैसा आयरन का पीस ही होता है, ये मैग्नीशियम का पीस है। अक्सर वो रिबन के फॉर्म में होता है, स्मॉल स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है, सही है, नहीं, ये मैग्नीशियम वो वायर्स होती हैं जो कॉइल्ड होती हैं, ठीक है। सो दैट इज मैग्नीशियम, तो जिस तरह आयरन होता है। तो इसके पीस मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, बल्कि इसी का ना इमेज ही कॉपी करके ना उसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये एम जी, अच्छा एम जी मेटल का जो पीस है ना वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो एम जी प्लस एच सी एल दोनों को बीच में डाल दिए। एम जी जो डालना है ना वो ज्यादा डालना है, ठीक है, वो एक्सेस में डालना है, मतलब आपने ऐड करते रहना है। एम जी और एच सी एल का रिएक्शन होगा, इमिडिएटली क्या नजर आएगा, एच टू गैस के ना बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यू विल स्टार्ट सीइंग एफवेसेंस, ठीक है, यू विल स्टार्ट सीइंग हाइड्रोजन गैस। तो ढेर सारे ना एच टू गैस के ना बबल्स बन के बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और एक और चीज प्रोड्यूस होगी जो कि आपकी सॉल्ट होगी। सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट जो होगी वो सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। एम जी सी एल टू बनेगा और वो फॉरन बनेगा तो आपके सॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। अब आपने इंश्योर ये करना है कि सारा का सारा एच सी एल जो है ना वो रिएक्ट कर जाए, आपके सॉल्यूशन में ना एक भी मॉलिक्यूल एच सी एल का ना बचाओ। तो वो आपने इंश्योर करना है कि आप ढेर सारा एम जी बीच में डालते रहोगे, एक्स्ट्रा डालते रहोगे, ताकि सारा का सारा एच सी एल रिएक्ट कर जाए, और सारा का सारा एच सी एल रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। अच्छा, सारा का सारा एम जी जो है वो रिएक्ट करके इट वुड फॉर्म द सॉल्ट, एच सी एल सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा पीसेस एम जी के पड़े होंगे ना, दिस वुड बी फिल्टर्ड आउट एट द एंड। और इसको आप उठा के ना, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा ना,
जब एचसीएल खत्म होगा सबसे पहला काम होगा बबल्स बनना बंद हो जाएंगे इसको। खैर ये मैग्नीशियम के जो पीसेज हैं उनको उठा के आप बाहर निकाल दो तो पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ MgCl2 रह जाएगा। इज दिस क्लियर? ये सारों को क्लियर है? यस सर, यस। एसएन वसना इज दिस क्लियर? आमना अच्छा एक्सप्लेनेशन। खैर वो ड्राइंग तो खैर आपसे बनाने को नहीं कहेंगे, वो यूजली वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स में क्या होगा, हर दफ़ा ना एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ही होगी। आप क्या करोगे कि जी एड एक्सेस Mg टू HCl एक्वस। ठीक है, ये वर्ड्स के हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा फिर एक्सेस पता कैसा लगेगा, एक्सेस में डाल दिया, यू कीप एडिंग Mg, बार बार बीच में Mg डालते रहो जब तक सारा HCl ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो कीप एडिंग Mg अंटिल नो मोर एफर्वेसेंस इज सीन, यानी जब HCl खत्म हो जाएगा तो बबल्स बनना बंद हो जाएंगे, या आप कह सकते हो कि और Mg स्टॉप्स डिजॉल्विंग। बस जब तक HCl होगा Mg उसके साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाता रहेगा। ठीक है, जब HCl खत्म हो जाएगा Mg के पास कोई चीज़ ही नहीं होगी रिएक्ट करने के लिए, तो और Mg स्टॉप्स डिजॉल्विंग। अच्छा फिर थर्ड पॉइंट, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, थर्ड पॉइंट होगा कि जी Mg को बाहर निकालो तो फिल्टर आउट। अब HCl तो खत्म हो गया तो फिल्टर आउट वो जो एक्स्ट्रा Mg डाला हुआ है ना, सो फिल्टर आउट एक्सेस Mg। तो हमने ना ये बबल्स बनना भी बंद हो गए हैं क्योंकि रिएक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, और Mg के पीस को ना फिल्टर आउट करके हमने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो Mg को भी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ वो रह गया है, तो इसको भी इसको सेकेंड एसन फिल्टर आउट का मतलब है कि बस वो उठा के पीस पड़ा हुआ ना Mg का, तो बड़े पीसेस होते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होती है, मतलब फिल्ट्रेशन होती है कि मार्बल के पीस पानी में पड़े हुए ना, तो मतलब फिल्ट्रेशन, और ये आप इसको ना प्रॉपर फिल्ट्रेशन करोगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से कि वो जो बड़े पीसेज हैं ना वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और जो पानी होगा वो निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि MgCl2 तो वैसे ही पानी में मिक्स हुआ हुआ है, ये जो Mg के पीसेज आपने डाले हुए थे ना वो सारे दे विल गेट स्टक इन द फिल्टर पेपर। एसन क्लियर है? अच्छा, अब अगली चीज ये कि वो तो फिल्टर आउट हो गया है। ठीक है, फिल्टर आउट एक्सेस Mg, एंड वंस यू फिल्टर इट आउट तो आपके पास फिल्ट्रेट रह जाता है। जब आप फिल्टर आउट कर लेते हो ना तो पीछे क्या रहता है, फिल्ट्रेट। तो अब इस सॉल्यूशन में ना यूजली वो क्वेश्चन में कहते हैं कि जी क्रिस्टल्स बनाओ, तो क्रिस्टलाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप इज के क्रिस्टलाइजेशन की आपको पूरी फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन देनी होती है। सर यस सर जो फिल्ट्रेट होगा उसमें सॉल्ट और Mg दोनों मिक्स होंगे। नहीं, Mg तो निकल गया ना, Mg के तो सॉलिड पीसेस है ना, चंक्स हैं, तो Mg तो पीछे नहीं तो Mg थोड़ा बहुत डिजोल्व तो होएगा ना। नहीं होगा ना, मेटल आयरन का पीस तुम डालो पानी में डिसॉल्व होता है, मतलब मेटल है ना, मेटल्स नहीं डिसॉल्व होता है। ओके ओके ठीक है, ओके कुछ होते हैं ग्रुप 1 के होते हैं जो होते हैं, तो वरना यूजली नहीं होते। ठीक है, अच्छा तो डिसॉल्व इसने होना नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन आपने करनी है एंड में। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि इवेपोरेट द सॉल्यूशन टू सैचुरेशन पॉइंट,
डिल क्रिस्टलाइजेशन और सैचुरेशन पॉइंट, एंड देन यू कूल ग्रेजुअली टू फॉर्म क्रिस्टल्स. And once those crystals are formed, you filter out those crystals as well. Or अक्सर उन्हें word dry भी लिखा होता है, तो filter out crystals and dry those crystals in sunlight. Or between pieces of filter papers. ठीक है, ये आपकी ना पूरी, ये खैर नीचे ये एंड वाली जो एक्सप्लेनेशन है क्रिस्टलाइजेशन की है, जो कि ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, लेकिन ये लिखना बड़ा, ये एंड वाला पार्ट ना लिखना बड़ा मस्त है, ठीक है. तो क्या करना है, जो इनसॉल्युबल रिएक्टेड है ना एमजी, उसको आपने एक्सेस में डालना है ताकि सारा सारा एचसीएल खत्म हो जाए. वो जो एमजी एक्सेस में डाला है उसको आपने फिल्टर आउट कर देना है, वैसे बाहर निकाल देना है. अगर तो बहुत बड़े पीसेज हैं तो हाथ से पकड़ कर बाहर निकाल दो, अगर छोटे छोटे पीसेज हैं तो उनको इस तरह करके फनल के थ्रू गुजार के फिल्टर आउट कर दो, ठीक है. जो सॉल्ट बनेगी वो सॉल्युबल है तो वो तो सॉल्यूशन का पार्ट होगी, ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर होगी, और फिर सॉल्ट को ना आपने क्रिस्टलाइज करना है. तो ये एक्सप्लेनेशन जो है हर किसी की एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम होगी. जैसा मैं अगर पिछले वाले की लिखूँ ना, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. कि इसकी अगर कोई कहता है ना कि इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो कि हाउ वुड यू प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट, तो आप क्या करोगे, एक्सेस में कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे इनटू नाइट्रिक एसिड, ठीक है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम डिटो वही होगी, बस नाम चेंज हुए होंगे. तो अगर इसका लिखना शुरू करें ना, तो यू विल हैव एड एक्सेस टू नाइट्रिक एसिड एक्वस. अच्छा, एड एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट टू नाइट्रिक एसिड एक्वस एंड कीप एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट until no more effervescence is seen. ठीक है, सब कुछ वही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना आप ढेर सारा डाली जा रहे हो ताकि सारा का सारा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर जाए और सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है. तो कीप एडिंग अंटिल नो मोर एफर्वेसेंस इज सीन, यानी बबल्स बनना बंद हो जाए, इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर गया और कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्स स्टॉप्स डिजॉल्विंग, मतलब रिएक्शन होना ही बंद हो जाए बिकॉज यू डोंट हैव नाइट्रिक एसिड एनी मोर, ठीक है. नाइट्रिक एसिड खत्म हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के पास कोई चीज़ ही नहीं होगी जिसका वो रिएक्ट करे. अच्छा, स्टॉप्स डिसॉल्विंग, फिल्टर आउट एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट एंड लास्ट पार्ट इज, जब वो भी फिल्टर आउट कर लिया, सी ए सी ओ थ्री को भी बाहर निकाल दिया, तो आपके सोल्यूशन में सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर होगा, तो उसको क्रिस्टलाइज करना है. तो दैट वुड लीड टू क्रिस्टलाइजेशन. अब ये पूरा एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर वही आ जाता है कि इवेपोरेट द सोल्यूशन टू सैचुरेशन पॉइंट. So evaporate solution to and then you cool gradually to filter out any crystals that are formed.
सेकेंड. अच्छा ये फिल्टर आउट क्रिस्टल्स फॉर्म्ड. And dry them in sunlight. अवन में लिखा होता है कभी कभार. तो ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द अदर वन. इज दिस क्लियर? सारों को क्लियर है? वसा सुहान आमना एसन क्लियर है? ठीक है. चलो ठीक है. अच्छा नाउ रिमेंबर दिस के ये पता नहीं क्या होता. अच्छा रिमेंबर दिस कि यू कैन अप्लाई दिस मेथड टू एनी रिएक्शन. फोर रिएक्शंस डन, यू कैन अप्लाई दिस टू एनी रिएक्शंस एज लॉन्ग एज ये कंडीशन मीट हो रही है कि यू हैव अ सॉल्युबल सॉल्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल रिएक्टेंट. ठीक है, तो एक्सेस मेथड ही यूज होगा. और हमेशा याद रखना कि इट्स ऑलवेज द इनसॉल्युबल रिएक्टेंट दैट इज पुट इन एक्सेस, हमेशा. ठीक है, इसको बल्कि इधर हम टॉप पे लिख भी देते हैं कि इट्स ऑलवेज दोनों रिएक्टेंट एसिड को एक्सेस में नहीं डालते, ऑलवेज द इनसॉल्युबल रिएक्टेंट. Is added in excess. वो मेरे ख्याल मोल्स के बाद एक्स्ट्रा क्लास. सर हाँ जी. तो एसिड करोसिव होता है ना, तो करोड नहीं करेगा मेटल को? नहीं, एक तो पहली बात है डाइल्यूट है. ठीक है, एसिड्स और बहुत सारे मेटल्स हैं, वो इतना कोई एसिड के साथ ना. नहीं, एसिड तो खत्म हो गया ना, तुम ये बात कह रहे हो जैसे ये शुरू में जब डालेंगे एसिड के अंदर मेटल, तो मेटल इसलिए तो रिएक्ट कर रहा है. वो जो करोड करना होता है वो रिएक्ट कर रहा है ना. शुरू में तो एम जी डिजोल्व होगा ना HCl के साथ. ठीक है, और करोड करेगा, सॉल्ट बना लेगा ना. क्लियर है बात? बोलो रिएक्शन होगा. वो रिएक्शन होना बंद कब होगा? क्योंकि इसीलिए खत्म हो जाएगा सारा का सारा. समझ आई बात? अच्छा, अब इसका ना उल्टा, अभी तक हमने इक्वेशन बनानी सीखी है ना. अब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वो कहते हैं सॉल्ट दे देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जी ये सॉल्ट प्रिपेयर करो जाके ना. वो कहते हैं कि जी प्रिपेयर prepare pure dry crystals of MgSO4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब रिएक्शन भी नहीं बताया हुआ, अब रिएक्शन आपने खुद ही सोचना है. रिमेंबर सॉल्ट जो है वो चार मेथड से प्रिपेयर होती है. ठीक है, फर्स्ट वन इज मेटल. तो आप चार डिफरेंट रिएक्शंस यूज कर सकते हो. मेटल प्लस एसिड, मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करना ना, तो क्या होगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस. सॉल्ट उसने पहले दी हुई है, वो दी हुई है MgSO4. मुझे बताओ कि एसिड कौन सा होगा MgSO4 को अगर बनाना है तो विच एसिड वुड बी यूज्ड? नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक NO3 है ना, SO4 किस एसिड में आता है? तो एसिड जो होगा वो H2SO4 होगा ना. नाइट्रिक होता तो यहाँ पे MgNO3 होता ना. समझ आइए? तो मतलब सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट देख के क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ MgSO4. ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि रिएक्शन आप सोचोगे ना. अब MgSO4 तीन चार रिएक्शन जैसे सॉल्ट प्रोड्यूस होती है. तो एसिड फिगर आउट करना तो बहुत आसान है कि बस सॉल्ट को देखो, उसके उसके फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा कौन सा एसिड यूज होगा. और मेटल कौन सा यूज होगा?
अगर एम जी एसओ फोर बनाना है तो ऑब्वियसली एम जी यूज होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप ये रिएक्शन भी कर सकते हो, या फिर आप ना वो कार्बनेट वाला रिएक्शन कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है, तो एसिड कौन सा यूज करोगे? H2SO4। कार्बोनेट कौन सा यूज करोगे? Mg का कार्बोनेट यूज करोगे, MgCO3। तो प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो बेस प्लस एसिड भी कर सकते हो कि अगर MgSO4 बनाना है तो बेस प्लस एसिड, एसिड कौन सा यूज करोगे? वो H2SO4 ही यूज करोगे ऑब्वियसली। बेस मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होगा, Mg2+OH-1, और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। अच्छा, सो माय पॉइंट इज कि आप रिएक्शन ना सॉल्ट देख के फिगर आउट कर सकते हो कौन सा रिएक्शन होगा। तो तीन रिएक्शन हमने पढ़े, इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए। इट्स अप टू यू कि आप एसिड, लेकिन हर दफा एसिड H2SO4 ही होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर MgSO4, एवरी टाइम द एसिड दैट वुड बी यूज्ड वुड बी H2SO4। तो आपके पास तीन रिएक्शन आ गए, इनमें से किसी एक के बारे में ना आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं तीसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो तीसरे वाले में सॉल्युबिलिटी क्या है पहले, तो लेट्स हाईलाइट द थर्ड रिएक्शन। इसको हम जाके लैब में परफॉर्म करते हैं। सल्फेट्स के बारे में क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, सारे सॉलिबल होते हैं कि नहीं होते, क्या लिखा हुआ है? क्या है इसके बारे में, सल्फेट्स के बारे में, इसको देखो ना जाके। एसन क्या है, कहाँ पे है सल्फेट्स? सल्फेट्स आर ऑल सॉलिबल एक्सेप्ट फॉर ये चार पांच। तो MgSO4 इज सॉलेबल, ठीक है। तो दिस वन ओवर हेयर इज सॉलेबल, ये एक्वस है, तो इट्स अ सॉलेबल सॉल्ट दैट्स बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम एन एसिड, तो वैसे ही एक्वस होता है, फ्रॉम एन इनसॉलेबल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इनसॉलेबल है, वो सॉलिबिलिटी टेबल भी देख लो, ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, सिर्फ ग्रुप वन के और ग्रुप टू के थोड़े से, बाकी सारे इनसॉलेबल होते हैं, और H2 गैस है। तो कौन सा मेथड होगा? इट्स गोइंग टू बी एक्सेस मेथड। और मतलब आप पूरी डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि जी ऐड MgOH2 सॉलिड टू H2SO4, कीप एडिंग MgOH2 अंटिल नो मोर ऑफ इट डिजॉल्व्स, फिल्टर आउट द एक्स्ट्रा MgOH2, एक्सेस MgOH2, एंड देन क्रिस्टलाइजेशन। पूरा एक्सप्लेन करो कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुई है ना, उसको क्रिस्टलाइज करना है। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? वसना, आमना। यस अच्छा, सारे मुझे एक काम भेजो अपना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना, वो ये है कि अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो है प्रिपेयर, इसी तरह इक्वेशन खुद ही सोचनी है, प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ किसके क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करें, कोई सॉलेबल सॉल्ट होनी चाहिए, तब एक्सेस मेथड काम करेगा। तो हम कहते हैं कि जी उसके प्रोड्यूस करो, FeSO4 के, Fe इधर 2+ है। पहले तो मुझे राइट द रिएक्शन एंड राइट डिस्क्राइब द मेथड। बल्कि नाइट्रेट कर लेते हैं, FeNO3 ट्वाइस। तो राइट द रिएक्शन एंड डिस्क्राइब प्रिपरेशन, और एक्सेस मेथड ही होगा। मुझे तो ये तीन रिएक्शन है, मेटल प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड, और बेस प्लस एसिड। तो एसिड कौन सा यूज करोगे इसको बनाने के लिए? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो और मेटल कौन सा यूज करोगे? आयरन।
या अगर आयरन। कार्बोनेट यूज करना है तो आयरन कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड यूज करना है तो आयरन ऑक्साइड ठीक है प्लस, या हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड ठीक है। तो राइट द इक्वेशन एनी वन ऑफ द रिएक्शंस ठीक है, और फिर उसका सर हाँ सर हम कार्बोनेट यूज किए बगैर भी कर सकते हैं ना, लाइक सिंपल Fe प्लस हाँ H2NO3। ओके हाँ जैसा ये है ना, ये तीनों में से कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं ना, मेटल प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड, या फिर बेस प्लस एसिड। तो जल्दी से ये सारे मुझे आंसर करो, ये क्या है इसका आंसर? सारे अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेजो ठीक है इसका आंसर, और जो भी आता है वो लिख दो। अच्छा जल्दी ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजो इसका आंसर, इसको मैं उधर ऐसे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर द आंसर्स ठीक है। एसन आमना वसना सर सुबान मैंने भेजे, भेजा है। नहीं अभी नहीं आया। डबल टेक आ गया, देखें। हाँ अब आया, एक सेकेंड, वो स्लो ठीक है। तुमने एफी, अच्छा वो याद रखना एफी के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, मतलब एफी जब अकेला मेटल होता है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ठीक है, और ये H2NO3 नहीं, HNO3 है, क्लियर है? ओ अच्छा एड एक्सेस क्या एफी, सर, मतलब H NO3 होता है ना, H+1 NO3-1 होता है ना, तो H2NO3 नहीं ओके होता। समझ आ गया। अच्छा कीप एडिंग अंटिल लो मोर फिल्टर फिल्टर आउट एक्सेस एफई क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन सॉल्ट इवेपोरेट सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट कूल राजा, बिल्कुल ठीक है ये लिखना है एग्जैक्टली ठीक है। बस याद रखना कि वो बस सॉल्ट का नाम देंगे, इक्वेशन खुद ही डिसाइड करनी है, मतलब वो तीनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हो वैसे, लेकिन एक्सेस मेथड सिर्फ तब यूज कर सकते हो कि अगर सॉल्ट सॉलेबल हो और जो रिएक्टेंट है ना जो एसिड के साथ है वो इनसॉलेबल हो ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है लेट्स ओके सर, लॉसेस। और सुबह कल हम शायद ना कोशिश करें क्लास रखें ठीक है, बस कितने बजे? ना सुबह शाम?
हाँ बस ना, आपका भी एग्ज़ाम नहीं, वो मैं डिस्कस करता हूँ ग्रुप में, ठीक है? मतलब जिनका अक्टूबर नवंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है? ताकि हम वो बाकी ओके सर, नो प्रॉब्लम. अल्लाह मेजर टॉपिक्स भी ना कर लें। चलें, ओके, हाफिज. अल्लाह हाफिज़।